आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी मिसल पाव। इसे मैंने बहुत ही आसान विधि से बनाया है, लेकिन बना बहुत टेस्टी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीता और मेरे चैनल गीतास किचन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम स्प्राउट्स को कुकर में उबाल लेंगे और मैंने यहाँ लिया है 2 कप स्प्राउट्स मूंग और मोठ। ये आपको मार्केट से मिल जाएगा या फिर आप घर में ही इसे अंकुरित कर सकते हैं। तो अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून नमक और इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और कुकर का लिड लगाकर इसे 1 सीटी आने तक पका लेंगे। अब हम मसालों के लिए लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल और तेल गरम हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक। तो इसे लाल होने तक पका लेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ और प्याज को गोल्डन कलर होने तक अच्छी तरह से इसे हम स्टर करते हुए पका लेंगे। तो प्याज अब गोल्डन कलर हो चुका है तो अब हम इसमें मिलाएंगे 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ और इसे भी अच्छी तरह स्टर करते हुए 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और इसके बाद हम इस मसाले को ग्राइंड करेंगे जिससे कि जो मसाला मिसल का मसाला होता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से देखिए इसे मैंने ढक दिया है और 1 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से टमाटर इसमें पक चुका होगा तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। मिसल पाव का बनाने का तरीका हर एक का अलग अलग होता है, हमने इस तरह से बनाया है। तो अब मसाले को हम एक मिक्सचर जार में निकाल करके इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और अब हम देखते हैं हमारे स्प्राउट्स अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो कुकर खोल करके देखते हैं हम और ये स्प्राउट्स अच्छी तरह पक चुके हैं तो अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन रख दिया है गैस पर और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल, इसमें मिलाएंगे 1/2 स्पून जीरा, 1/2 स्पून राई, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला, इसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून सब्जी मसाला, ये ऑप्शनल है। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ लाल मिर्च पाउडर जो कि कश्मीरी मिर्च है, इसे सिर्फ रंग आएगा, ज़्यादा तीखा नहीं होगा। तो इसे हम अच्छी तरह से तेल में मिक्स कर लेंगे। इन मसालों को पकाते समय फ्लेम को हमेशा लो रखें जिससे मसाले जलेंगे नहीं। और अब इसमें ऐड करेंगे मसालों का पेस्ट जो हमने शुरू में ही ग्राइंड किया हुआ था और इसे अच्छी तरह से तेल में पका लेंगे। इनको तेल में अच्छी तरह से स्टर करते हुए लो फ्लेम पे ही अच्छी तरह पका लेंगे और जब तक मसाला तेल ना छोड़ने लगे तब तक इसे कुक कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से सूख चुका है और तेल दिख रहा है हमें मसालों में अलग से। तो अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो स्प्राउट हमने कुकर में उबाल कर रखा था इसे और इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कप पानी। पानी आप अपने तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, कम ज़्यादा ग्रेवी के हिसाब से। और अब हम इसको अच्छी तरह से स्टर कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और इसे 3 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे। और 3 मिनट बाद मिसल बन करके एकदम तैयार है। अच्छी तरह ये ग्रेवी पक चुकी है तो अब हम इसे गर्मा
जरूर ट्राई करिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।